चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है मनी एंड इन्फ्लेशन। मनी एंड इन्फ्लेशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये आपका, है ना, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी। आपको पता है मनी पैसा, हमारी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो ना, तो उसमें मेन सेंटर में ये मनी ही आता है हर एक्टिविटी में। आज किसी को भी अपनी कोई भी नीड सेटिस्फाई करने के लिए मनी की सबसे पहले ज़रूरत होती है ना। आज कोई भी काम इसके बिना जैसे होता ही नहीं है। ह्यूमन नीड्स के बारे में कहते हैं ना कि ह्यूमन नीड्स अनलिमिटेड है, हमारी इच्छाएं अनगिनत है, कभी ख़त्म नहीं होती, ऐसी इच्छाएं हैं जिसमें से जो हमारी इच्छाएं, जो भी इच्छाएं हो, वो सब इच्छाएं हम लोग खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मतलब जो भी चीज़ें हमें चाहिए हम खुद तो नहीं बना सकते, तो वो इच्छाएं पूरी करने के लिए ऑलमोस्ट चीज़ें हमें बाहर से खरीदनी पड़ती है, बराबर ना, बाहर से लानी पड़ती है वो चीज़ें। और इसके लिए ही फिर मनी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या ये मनी वो हमेशा से था हमारे पास? पैसा हमेशा से था? हमेशा से मतलब जो एंशिएंट टाइम में, आज से हज़ारों साल पहले भी क्या मनी का ही यूज़ होता था? नहीं, पहले लोगों को जो भी इच्छाएं होती ना, तो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए एक दूसरे से जो भी चीज़ें लेते हैं तो उसके बदले में पैसे नहीं देते थे। पहले के टाइम में चलता था वो था बार्टर सिस्टम। पहले क्या चलता था? बार्टर सिस्टम। आज आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बाहर शॉप पे जाओगे, वो चीज़ खरीदोगे और उसके बदले में उसे पैसे दे के आओगे। सही बात ना, बात खत्म। लेकिन पहले के टाइम में जब पैसे थे ही नहीं, तब वो किसी से भी कोई भी चीज़ खरीदते तो उसके बदले में पैसे थोड़े देते, उसके बदले में दूसरी कोई चीज़ ही देते थे, जिसे क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम के बारे में जो कहा जाता है, जैसे ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि बार्टर सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स और सर्विस आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स और सर्विस विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज मनी। ठीक है ना, ये ऐसा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहलाता है वेयर गुड्स और सर्विस आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विस, कि कोई एक चीज़ के बदले में डायरेक्टली दूसरी चीज़ दी जाती हो विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बीच में दूसरे कोई चीज़ का यूज़ नहीं, सच एज मनी मतलब पैसे जैसी कोई चीज़ का यूज़ ना करना, बस एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ देना, तो उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। आज से हज़ारों साल पहले यही सिस्टम चलता था हमेशा, कि अगर आपको जो है वो ग्रेन्स की ज़रूरत हो, समझो वीट की ज़रूरत हो आपको घर में, और आपके पास राइस अगर एक्स्ट्रा हो, तो आप दूसरे किसी के पास जाओगे, उसको राइस दोगे आपके एक्स्ट्रा, और सामने उससे वीट लोगे, है ना। अगर आपको मिल्क की ज़रूरत है, दूध की ज़रूरत है, और आपके पास जो है वो ये समझो कि कोई वेजिटेबल्स एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो आप दूसरे किसी के पास जाओगे, उसे वेजिटेबल दोगे और उसके बदले में मिल्क लोगे। तो ये जो एक्सचेंज सिस्टम चलता था ना, उसे पहले बार्टर सिस्टम कहते हैं। अच्छा था ये सिस्टम, हाँ कि नहीं? जो भी था, लेकिन ये बार्टर सिस्टम अब नहीं चलता। अब नहीं चलता है ना बार्टर सिस्टम, क्योंकि ये जो बार्टर सिस्टम था ना, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी उस वक्त। बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस हैं, इनकी वजह से बार्टर सिस्टम बंद हो गया। लिमिटेशंस कौन कौन सी लिमिटेशंस? जैसे कि सबसे पहली लिमिटेशन आती है इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वॉन्ट्स। कौन सी? इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वॉन्ट्स। इसका मतलब दोनों की एक जैसी इच्छाएं, उसका इश्यू। बार्टर सिस्टम तभी सक्सेसफुल होता है जब आप सामने वाले को कोई प्रोडक्ट देते हो और उसके बदले में कोई प्रोडक्ट लेते हो, तो ये बार्टर सिस्टम यहाँ पूरा हुआ। लेकिन जहाँ पर लोगों की वांट्स की बात करें, तो वो अगर डिफरेंट हो जाती हो तो बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं हो पाता। मतलब देखो, एक एग्जांपल समझो कि भाई मुझे अगर वीट की ज़रूरत है, मुझे वीट चाहिए, और उसके बदले में जो है मेरे पास राइस एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो मैं ऐसे इंसान को ढूंढूंगा कि जिसके पास वीट एक्स्ट्रा हो, मैं उसके पास जाऊँगा और कहूँगा कि भाई लो
मुझे वीट चाहिए और तुम मेरे उसके बदले में ये राइस ले लो। वो सामने वाला सीधा मना कर दे तो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं देने वीट्स। अरे तो उसे नहीं देने, मुझे तो चाहिए ना। तो फिर मतलब इसमें दोनों की वॉन्ट्स जरूरी है ना, दोनों की इच्छाएं जरूरी है। मैं वीट से खरीदने के लिए तैयार हूँ लेकिन सामने वाला बेचने को तैयार ना हो तू। या तो फिर अगर मुझे वीट से वीट चाहिए और मैं वीट वो खरीदने के लिए तैयार हूँ, सामने वाला बेचने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो कहता हो क्या मुझे राइस नहीं चाहिए भाई, मुझे दो क्लोथ्स ला के दो तो मैं वीट दूंगा तुम्हें। बरबर, मेरे पास तो राइस एक्स्ट्रा है। मैं राइस लेकर सामने वाले के पास गया कि भाई ये लो राइस और उसके बदले में मुझे वीट दे दो। तो सामने वाला कहता हूँ मुझे राइस नहीं चाहिए, मुझे तो क्लोथ्स चाहिए। तो अब ये भी ट्रांजेक्शन कैसे पूरा हो? तो पहले मुझे ऐसी जगह पर जाना होगा कि जहाँ पर राइस देकर मैं क्लोथ्स ले सकूँ, और उसके बाद फिर जो है वो उसके क्लोथ्स में जो है इसके पास लाकर और सामने उससे वीट खरीद सकूं। सही बात ना? तो ऐसा एडजस्टमेंट होगा ना। तो इस तरह से पहले के टाइम में है ना म्यूचुअल एडजस्टमेंट नहीं था, दोनों की एक जैसी इच्छाएं नहीं रहती थी। तो ये सिस्टम का पहला लिमिटेशन आता था, दोनों की एक जैसी इच्छाएं ना हो तो हमेशा बाटा सिस्टम थोड़ी चल पाता। सही बात है कि नहीं? और दूसरा आता था इसका लिमिटेशन, वो आता था डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, ये भी बात सही है कि बार्टर सिस्टम में ना कोई भी चीज़ की स्टोरिंग वैल्यू की प्रॉब्लम आती थी। बराबर ना? कि स्टोरिंग वैल्यू, अगर स्टोरिंग वैल्यू में कुछ चेंजेस आता है तो एक्सचेंज वैल्यू में भी चेंज हो जाता था। जैसे कि समझो कि भाई अगर अगर कोई पर्सन को जो है वैसे ही वीट अगर चाहिए और उसके बदले में उसे शूज़ या क्लोथ या वो कोई जो है वो एक्सचेंज करवाना है, ठीक है, वो एक्सचेंज करवाना है, लेकिन वीट वीट तो उसका जो है वो स्टोरिंग वैल्यू कम है, उसको जो है वो लंबे समय तक आप स्टोर नहीं कर सकते। पहले के टाइम में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, जबकि शूज़ क्लोथ उसकी शायद स्टोरिंग वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो। या उससे भी चलो दूसरा एग्जांपल लो कि जैसे अगर वीट और मिल्क लो कि वीट आप करीबन चलो 6 महीने चला लोगे, लेकिन मिल्क मिल्क नहीं ना, तो मिल्क जो है वो 6 महीने कैसे चलेगा? मुझे वीट चाहिए तो मैं सामने वाले से वीट लेकर उसके बदले में मैं उसे मिल्क दूं, दूध अगर दे दूं, तो वो उसे जो है वो सामने वाले को अगर दूध मिलेगा तो उसे तो उसी दिन एक्सचेंज कर देना होगा या तो यूज़ कर देना होगा। सही बात है कि नहीं? नहीं तो फिर उसका मिल्क जो है वह वहाँ पर ख़राब हो जाएगा ना फिर, है कि नहीं? मतलब उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। बार्टर सिस्टम में जो एक्सचेंज में एक दूसरे को चीज़ें मिलती थी तो उसे स्टोर कैसे करें? कुछ चीज़ों को स्टोर कर सकते थे जबकि कुछ चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकते, है ना? मैंने कोई चीज़ के बदले में अगर वेजिटेबल मुझे मिले, मैंने किसी को कोई चीज़ दी उसके बदले में सामने वाले ने मुझे वेजिटेबल्स दिए। अब वेजिटेबल्स अगर मुझे इतने ज़्यादा मिले हैं कि मुझे उसे एक ही दिन में पूरे करने होंगे, नहीं तो दूसरे दिन तो सब्जियां ख़राब हो जाएगी, तो उन वेजिटेबल को या तो मुझे ऑन द स्पॉट किसी और से दूसरी चीज़ लेकर एक्सचेंज करवाना होगा या तो फिर घर में ही उसे यूज़ कर देना होगा। उसे वेजिटेबल को स्टोर थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है ना? इसलिए बार्टर सिस्टम में ना स्टोरिंग की प्रॉब्लम आती थी। और तीसरी लिमिटेशन आती थी, वो आती थी प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, के कोई भी चीज़ की मेजरमेंट की वैल्यू उसकी प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी क्रिएट होती थी। जैसे इसमें भी आप एग्जांपल समझो कि अगर समझो वीट है, आपने सामने वाले से 10 किलो वीट लिए, उसके बदले में आपको चावल देने हैं, तो चावल कितने दोगे? 10 किलो ही दोगे, 10 किलो वीट के बदले में 10 किलो चावल, ठीक है, चलो ठीक है, ये चल जाएगा। लेकिन अभी अगर आपको सामने 10 किलो वीट लेना है और उसके बदले में आपको घी देना है, घी, हाँ अगर घी देना है तो घी कितना दोगे? 10 किलो घी, वीट के बदले में 10 किलो घी, कैसे? ये तो मेज़रमेंट में तो बहुत बड़ा फ़र्क है ना। वीट जो है वो सस्ता हो गया, घी जो है वो थोड़ा कॉस्टली हो गया, तो क्या 10 किलो वीट के बदले में 10 किलो घी देना पॉसिबल है? नहीं होगा।
तो फिर वीट के बदले में कितना घी दें? मतलब अगर 10 किलो वीट चाहिए तो उसके बदले में कितने किलो घी देना होगा, ये मेज़रमेंट कौन करे? ठीक है ना, ये एग्जैक्ट मेज़रमेंट कैसे निकाला जाए? अभी तो जैसे पता होता है कि भाई वीट की जो है वो वैल्यू अलग है, उसको भी पैसे में ही देने हैं, मनी देनी है हमें, ठीक है ना। अब थोड़ी बार्टर सिस्टम चलना है, तो 10 किलो अगर जो है वो वीट चाहिए तो उसके इतने रुपए, या 10 किलो घी तो उसके उतने रुपए। पहले के टाइम में ये मेज़रमेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाए, ठीक है। या फिर कोई चीज़ के बदले में, जैसे अगर किसी के क्लोथ हो तो कितने क्लोथ के बदले में कितना मिल्क दिया जाए? मैंने किसी से क्लोथ लिए हैं, उसके बदले में मुझे उसको मिल्क देना है, बार्टर सिस्टम में। तो सामने वाले से कितना क्लोथ लें और उसके बदले में कितना मिल्क दिया जाए, इसके मेज़रमेंट कैसे किया जाए? वो भी तो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी ना, सब वैल्यू हमेशा एक जैसी थोड़ी होती, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी, इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से धीरे धीरे है ना बार्टर सिस्टम बंद होने लगा, बंद होने लगा। और धीरे धीरे फिर कोई ऐसी चीज़ ढूंढने लगे कि हर चीज़ के एक्सचेंज में वो कोई एक ही चीज़ दी जाए, है कि नहीं। नहीं तो वीट के बदले में कोई वेजिटेबल्स देता, वीट के बदले में कोई मिल्क देता, वीट के बदले में कोई घी देता, तो एक ही चीज़ के बदले में अलग अलग चीज़ें होती थी बार्टर सिस्टम में ऐसा। फिर सब ने सोच कर ये ट्राई किया ना कि अब सब चीज़ों के बदले में कोई एक ही चीज़ देना शुरू करो भाई, कि किसी को भी वीट खरीदना हो तो उसके बदले में ये दो। जैसे कि आप कोई भी चीज़ खरीदो, सबके बदले में पैसे ही दिए जाते हैं, सही बात है ना। तो ऐसी कोई कॉमन चीज़ ढूंढना शुरू हुई और उससे ही फिर मनी तैयार हुई। लेकिन वो भी डायरेक्टली नहीं, सबके माइंड में एक साथ नहीं आया कि हाँ भाई पैसा है, मनी ये होना चाहिए, सबके बदले में ये देना चाहिए। ये कोई डायरेक्टली नहीं क्रिएट हुआ, धीरे धीरे। जैसे कि अब वही पॉइंट देखें कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, मतलब ये मनी का डेवलपमेंट एक्चुअली अब हुआ कैसे। तो ध्यान से ये पॉइंट समझना, मैंने तो यहाँ पे खाली 4 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन ये पूरा पॉइंट ध्यान से समझना, जिसे कहेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी मतलब ये मनी धीरे धीरे कैसे बना, बराबर। तो समझो, सबसे पहले जो बार्टर सिस्टम चलता था, तो बार्टर सिस्टम में तो ये सब प्रॉब्लम आती थी, जो प्रॉब्लम हमने देखी, इसकी वजह से बार्टर सिस्टम बंद करने लगे। और काफ़ी जगह पर लोगों ने ये शुरू किया कि हर चीज़ के बदले में कोई एक ही चीज़ दी जाए, और जिनमें वो चीज़ को सबसे पहले क्या माना गया पता है, एनिमल्स। एनिमल्स का यूज़ किया गया सबसे पहले एक्सचेंज के लिए, मतलब आप कुछ भी चीज़ खरीदो ना तो उसके बदले में आपको एनिमल्स देने होंगे, ऐसा डिसाइड हुआ। तो एनिमल्स को एज अ मनी सबसे पहले यूज़ किया गया था। तो पहले के टाइम में हर कोई एनिमल हस्बेंडरी करता, मतलब हर कोई अपने वहाँ पर जो है वो जानवरों को पालता था। तो हर किसी के वहाँ पर ऑलमोस्ट जानवर होते हैं, जिनमें हॉर्स, काउ, बफेलो, गॉट, ये सब होते हैं, बरोबर। तो इन सब का फिर मनी की तरह यूज़ होने लगे। मतलब फिर ऐसा होता था कि अगर आपको जो है वो 10 किलो वीट खरीदना हो ना, तो उसके बदले में जो है वो एक गोट देनी होगी, एक बकरी देनी होगी, ऐसा फिक्स, समझ रहे हो। कि अगर आपको इतना का अनाज खरीदना हो ना, तो उसके बदले में इतनी गाय देनी होगी, ये चीज़ खरीदने हो ना तो उसके बदले में ये इतने घोड़े देने होंगे। तो ये एनिमल्स को एज अ मनी पहले फिक्स किया गया था, बरोबर। लेकिन ये चीज़ भी ज़्यादा नहीं चली। क्यों नहीं चली? काफ़ी सालों तक इसका यूज़ हुआ, लेकिन फिर इसे कंफर्म नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि एनिमल्स है ना, वो मॉर्टल कहलाते हैं। मॉर्टल मतलब जिनकी डेथ हो जाए वैसी, इनका कोई स्टोरिंग वैल्यू नहीं है, इसकी स्टोरिंग वैल्यू नहीं होती थी। क्योंकि अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी है, उसके बदले में जो है वो एनिमल्स देना पड़े, या मैंने कोई चीज़ बेची, समझो मैंने अनाज बेचा, उसके बदले में जो है वो ये मुझे एक गाय मिली, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि जो मुझे गाय मिली ना, वो गाय जो है वो दूसरे दिन मर गई, तो मेरे तो सब पैसे डूब गए, बरबर ना। मेरा तो वो अनाज भी गया और वो जानवर भी नहीं मिला, एनिमल भी नहीं मिला, वो गाय भी मर गई। होता है कि नहीं,
ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी ना, तो इसमें तो हर किसी को नुकसान होने लगा। इसलिए एनिमल्स को फिर मनी की तरह यूज़ नहीं करने लगे। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बीता, लोग नई नई चीज़ें ढूंढने लगे कि अब मनी की तरह क्या यूज़ किया जाए। तो उसके बाद उन्होंने यूज़ किया मिनरल्स या स्टोन्स। जब मिनरल्स फाइंड हुए, जब मिनरल एज आई, जिसमें आयरन, कॉपर, ठीक है ना, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मिनरल्स, ये सब स्टोन्स, उनका फिर एनिमल्स की जगह पर यूज़ होता था। मतलब अब हर चीज़ का जो है वो एज अ मनी, मिनरल्स और स्टोन को एक्सचेंज किया जाता था हर चीज़ के बदले में, जिनमें अलग अलग मिनरल्स को अलग अलग इम्पोर्टेंस दी जाती थी। मतलब समझो आयरन कॉपर जैसा हो तो इन मिनरल्स को जो है वो समझो सस्ती चीज़ों के लिए, कोई महंगी चीज़ हो तो उसे जो है वो ये गोल्ड सिल्वर जैसे मिनरल्स या स्टोन्स होते। आज के टाइम में कैसे होते, छोटे नोट जैसे होते हैं ना, 10-20 का छोटा नोट, और जो है वो ये 200, 500, 2000 का बड़ा नोट, बरोबर। तो वैसे ही कुछ मेटल्स को वो कम वैल्यू का माना गया और कुछ मेटल्स को ज़्यादा वैल्यू का माना गया। तो इन मिनरल्स का यूज़ होता था। आप किसी को अनाज ख़रीदना हो तो उस अनाज के बदले में भाई इतना इतना आयरन देना होगा या इतना कॉपर देना होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक्सचेंज होता था। तो मिनरल्स और स्टोन को जो है वो यूज़ किया गया, लेकिन इसे भी जो है वो हर जगह पर नहीं चला, क्योंकि ये मिनरल्स स्टोन से सबके पास नहीं होते थे, लेकिन एनिमल से तो बहुत बेटर था। मिनरल्स और स्टोन्स ख़त्म नहीं हो जाते थे, ठीक है, इनको स्टोर करके तो रख सकते थे ना कम से कम। एनिमल्स को तो स्टोर नहीं कर सकते थे, इसको तो स्टोर भी कर सकते थे। तो मिनरल स्टोन काफ़ी अच्छी तरह से चला। फिर जब राजा महाराजाओं का प्रॉपर टाइमिंग आया ना, तो राजा महाराजा अपने अपने कॉइन्स बनाने लगे इन मिनरल्स को, इन मिनरल्स के शेप देने लगे और उस पर से कॉइन बनाने लगे। तो फिर कॉइन शुरू हुआ, ठीक है। पहले होता था राजा महाराजा जो वो सिक्के बनाते थे, सिक्कों पर जो है वो अपना ही जो एक फ़ोटो लगाते थे, तो ऐसे कॉइन शुरू हुए उसके बाद। लेकिन ये कॉइन भी है ना पर्टिकुलर जगह पर ही चलते। जैसे कोई एक राजा का राज्य होता, एक राजा का राज्य होता तो उसमें उसके कॉइन चलते, दूसरे राजा के राज्य में जाओ तो उसके बने हुए कॉइन चलते, तीसरे राजा के राज्य में जाओ तो उसके बने हुए कॉइन चलते। मतलब हर जगह पर कॉइन्स अलग अलग थे, है कि नहीं। अभी कैसे जाते हैं, इंडिया के बाहर जाओ तो अमेरिका में डॉलर, दूसरी जगह पर दूसरी करेंसी चलती, तो वैसे हर राजाओं की अलग अलग करेंसी होती। तो आसपास ही लोगों को काफ़ी दिक्कत होने लगी। फिर धीरे धीरे वो भी चेंज हुआ। फिर जब प्रॉपर टाइमिंग आया ना और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, तब फिर मॉडर्न मनी फाइंड की गई। फिर जब डेमोक्रेसी शुरुआत हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब इंडस्ट्री शुरू हुई, प्रॉपर बिजनेस जो है वह शुरुआत हुई, इकोनॉमी अब सही तरह से बनने लगी, अब गवर्नमेंट बनने लगे, अब राजाशाही नहीं, अब सरकार चलती थी, तब अब ये कॉइन्स भी हटाकर मॉडर्न मनी फाइंड की गई, फिर पैसे फाइंड किए गए, है कि नहीं। फिर हर चीज़ की, हर वैल्यू के, अलग अलग वैल्यू के पैसे बने। फिर उसमें कॉइन भी होते थे, एक एक रुपए के कॉइन पहले होते थे, 25 पैसे के, 5 पैसे के, 10 पैसे के कॉइन भी, और बड़ी वैल्यू के भी, बड़े नोट, 10 रुपए के नोट, 100 रुपए के, 1000 रुपए के नोट, जिसमें एक बड़े बड़े, एक पूरे आपके बुक का पेज आ जाए ना, इतना बड़ा एक एक नोट होता था। तो ऐसे पहले ये मनी बनी, फिर उसे धीरे 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 चेंज किया, तो आज प्रेजेंट आप लोग मनी देखते हो भाई, कि आज कोई भी चीज़ में, कोई भी चीज़ का एक्सचेंज करना हो ना, तो उसके एक्सचेंज में सिर्फ क्या दिया जाता है, ये मनी दी जाती है। सही बात है कि नहीं, है ना। तो इस तरह से मनी का इवोल्यूशन हुआ ना। चारों पॉइंट ध्यान रखना बेटा, कि मनी का जिस तरह से इवोल्यूशन हुआ, सबसे पहले एनिमल्स का यूज़ करते थे, फिर मिनरल्स का, स्टोन्स का, उसके बाद कॉइन का यूज़ करने लगे, फिर अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई कि अब मॉडर्न मनी का यूज़ होता था। तो ये प्रॉपर मनी किसे कहते हैं, तो अब उसकी डेफिनेशन समझो कि प्रॉपर मनी किसे कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन मार्शल की है जो मैंने लिखी है, इकोनॉमिक्स मार्शल, वो लिखते हैं
कि मनी इज दैट मीडियम विच इज यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस। तो मनी इज दैट मीडियम विच इज यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको कोई भी चीज़ के एक्सचेंज में ये चीज़ दी जाती है वो मनी, विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस। मतलब इसके ऊपर कोई भी टाइम कोई भी जगह पर डाउट या इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता। मतलब आप इंडिया के कोई भी कोने में जाओ, वहाँ आप कोई चीज़ के बदले में 100 रुपये का नोट दोगे तो वो डाउट करेगा, अरे भाई ये तो कहाँ से लेके आया, नहीं होगा ना ऐसा, है ना। इसके ऊपर कभी डाउट नहीं किया जाता कि भाई कोई चीज़ के बदले में 100 रुपये का नोट भी मिलता है क्या, ना कोई डाउट ना कोई इन्वेस्टिगेशन ना कोई चेक किया जाएगा कि ये नोट क्यों हुआ, ये कैसे कहाँ से आया, नहीं। एक ऐसा मीडियम ये मनी है कि जो कोई भी चीज़ के एक्सचेंज में वैलिड है, कोई भी टाइम और कोई भी प्लेस पर। सही बात ना। या फिर रॉबर्टस्टन ने एक डेफिनेशन दी थी कि व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड मनी। कोई भी चीज़ और सर्विस के एक्सचेंज में जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, जो हर जगह यूज होता हो, तो उसे हम लोग मनी कहते हैं। ओके? और इस मनी के अब कॉमन फंक्शंस देखें कि मनी के फंक्शंस क्या आते हैं। सबसे पहला इसका फंक्शन आता है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमें पता है ना कि आज जो है वो कोई भी चीज़ के एक्सचेंज में ये मनी का यूज़ होता है, तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ होता है। कि पहले के टाइम में जो वो लिमिटेशन थी ना बार्टर सिस्टम में, म्यूचुअल एडजस्टमेंट की लिमिटेशन, कि किसी को इच्छा ना हो तो, मतलब पहले बार्टर सिस्टम में जो लिमिटेशन थी कि भाई मुझे कहीं से वीट खरीदना है उसके बदले में राइस देना है, लेकिन सामने वाले को राइस खरीदने की इच्छा ना हो तो मुझे वीट भी नहीं देगा, तो वो लिमिटेशन अब मनी में नहीं रहती। इसमें है कि मुझे सामने वाले से जो है वो कोई प्रोडक्ट खरीदना है उसके बदले में पैसे देने हैं, और सामने वाले को पैसे लेने की इच्छा ना हो तो उसे और कुछ चाहिए, ऐसा होता है नहीं ना। ये ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, हर जगह पर और हर चीज़ के लिए चलता है। कोई भी चीज़ के बदले में आप पैसे दे सकते हैं और सामने वाला कोई उसके ऊपर न डाउट कर सकता है, न मना कर सकता है, न अपनी इच्छा के खिलाफ जा सकता है। मतलब कभी ऐसा भी नहीं कह सकता कि भाई मुझे पैसे लेने की इच्छा नहीं है, बराबर। वो खुद कोई भी चीज़ के बदले में पैसे ले लेगा कि जिसमें उसके बाद उसे जो चीज़ चाहिए वो दूसरी जगह पैसे देकर ले सकता है। इसलिए कोई भी एक्सचेंज के लिए मनी अब चलता है। उसके बाद मनी एज अ स्टोर वैल्यू, कि मनी की स्टोर वैल्यू आज सबसे ज़्यादा है। पहले के टाइम में जैसे देखा कि एनिमल्स को मनी की तरह यूज़ करते थे, तो उसकी स्टोर वैल्यू नहीं होती थी। एनिमल्स को तिजोरी में जमा करके रख सकते हो सालों साल, हाँ, कि अभी मुझे ज़रूर नहीं है, अभी मैं एनिमल को तिजोरी में रख देता हूँ, फिर एक साल बाद जो है वो कोई चीज़ खरीदने के लिए इसका यूज़ करूँगा। ऐसा पहले एनिमल्स में कर सकते थे? नहीं ना, वो तो मॉर्टल होते थे, मर जाते थे। लेकिन मनी की स्टोर वैल्यू सबसे ज़्यादा है, बराबर ना, सबसे ज़्यादा है मनी की स्टोर वैल्यू। कि उसको आप लोग जितने दिन चाहे और जितना लॉन्ग टाइम चाहे आप लोग उसे स्टोर कर सकते हो। आपके पास अगर मनी है तो आप तिजोरी में बंद करके सालों तक रख सकते हो, ठीक है। जो जैसे पेरेंट्स करते हैं, सालों तक उसे तिजोरी में रख देते हैं कि भाई जब मेरा बेटा बड़ा होगा ना तब उसके लिए ये पैसे खर्च करूँगा, है कि नहीं। तो उसको स्टोर करके रख देते हैं कि नहीं, सालों सालों तक। पहले कोई भी मनी का इतनी स्टोरिंग वैल्यू नहीं थी जितनी मनी इस आज करंट मनी की होती है। इसके अलावा मनी एज अ मेज़र ऑफ वैल्यू, दूसरा मेज़र ऑफ वैल्यू, मतलब कोई भी चीज़ की मेज़रमेंट के लिए भी अब मनी का यूज़ होता है। ये भी पहले की लिमिटेशन में देखा कि जैसे कोई भी चीज़ के एक्सचेंज में कोई चीज़ देनी हो तो कितना मेज़र दिया जाए, कितनी चीज़ दी जाए, ये नक्की नहीं होता था ना। 1 किलो या 10 किलो वीट के सामने घी कितना दें, 10 किलो वीट के सामने राइस कितना दें, ये नहीं। लेकिन अब मनी को हर चीज़ के मेज़रमेंट में यूज़ होता है।
कि वीट खरीदना हो तो इतना पैसा दो, घी खरीदना है इतना पैसा दो, वेजिटेबल्स खरीदने हैं इतने पैसे दो। तो हर चीज़ के मेजरमेंट के लिए अब मनी का यूज़ होता है ना, सही बात क्या नहीं? इसलिए प्रेजेंट टाइम में जो मनी यूज़ होती है ना, वो अब यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, हर जगह पर यही चलता है। अब बार्टर सिस्टम जैसा सिस्टम नहीं है। तो फाइनली मनी के बारे में समझे कि टाइप्स ऑफ मनी, पहले से लेकर अभी तक जो भी इवोल्यूशन में देखा ना, उसमें कौन कौन से टाइप की मनी का यूज़ हुआ था, बरोबर ना? मनी का यूज़ कौन कौन सा हुआ था? जैसे सबसे पहले तो कॉमोडिटी मनी थी, ये पूरा रिवीजन है कि पहले तो कॉमोडिटी मनी थी। कॉमोडिटी मनी मतलब कि जो थिंग्स जो बार्टर सिस्टम में चलता था। फिर एनिमल्स मनी आई, है ना, एनिमल्स को मनी की तरह यूज़ करते थे। फिर मेटल्स को, मिनरल्स को, उनके कॉइन बनाए गए। फिर आया अब पेपर मनी। फिर क्या आया? पेपर मनी जो अभी चलता है। उसके बाद आया प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी अभी चलता है, जिसे हम लोग कहते हैं एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड, ये प्लास्टिक मनी है कि आपको कहीं पे नोट ले जाने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह पर ये एटीएम और डेबिट कार्ड चल जाते हैं। और प्लास्टिक मनी के बाद फाइनली जो प्रेजेंट टाइम की सबसे मॉडर्न मनी कहलाती है, वो आती है बैंकिंग मनी। बैंकिंग मनी को इनविजिबल मनी कहते हैं। बैंकिंग मनी वो कि जो इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र की जाती है। आज किसी को भी पेमेंट करनी हो, पैसे भेजना हो, तो वो अब इंटरनेट के थ्रू पैसे भेज देते हैं ना, दिखाई भी नहीं देते पैसे, लेकिन मेरे अकाउंट में से पैसे गायब और दूसरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो ये इनविजिबल मनी है, जिसे बैंकिंग मनी कहते हैं। तो ये सब मनी के टाइप्स है ना, कि जिनका आज हम लोग कोई भी चीज़ के, कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस के एक्सचेंज में इनका यूज़ करते हैं, बरोबर? तो आज जैसे मनी का हमने ये कॉन्सेप्ट समझा ना, वैसे ही चैप्टर का दूसरा पार्ट, जो नाम है ना चैप्टर का, मनी एंड इन्फ्लेशन, तो आज मनी के बारे में हमने समझा, वैसे ही चैप्टर का दूसरा पार्ट इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग कल के वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।